सर की बाइक। आज सर अपनी नई बाइक से स्कूल आए थे। उन्होंने बड़े ही ध्यान से अपनी बाइक को मेन स्टैंड पर लगाया और हैंडल लॉक करके स्टाफ रूम की तरफ चले गए। कुछ ही दूर पर चुन्नू, मुन्नी और कुछ दोस्त खड़े देख रहे थे। अरे वाह, सर की बाइक कितनी बढ़िया है, एकदम सुपर बाइक लगती है। मैं भी बड़ा होकर ऐसी ही बाइक लूंगा। तभी बेल बजी और सभी बच्चे क्लास की तरफ चल पड़े। मुन्नी ने सर को नई बाइक के लिए बधाई भी दी। Congratulations for the new bike, sir. Thanks, मुन्नी। सर, आपकी बाइक बहुत ही स्टाइलिश है। Thanks, dear. चलो अब बाइक की बातें बाद में और पहले पढ़ाई कर लेते हैं। सभी अपनी अपनी साइंस की बुक्स निकालो। ऐसा कहकर सर बच्चों को साइंस पढ़ाने लगे, लेकिन चुन्नू पढ़ाई करने की बजाय अपने नोटबुक में बाइक की ड्राइंग बनाने लगा। सर का ध्यान उसकी तरफ गया तो वो पास आ गए और देखने लगे, लेकिन चुन्नू तो ड्राइंग में इतना बिजी था कि उसने सर को नोटिस ही नहीं किया। सर ने उसे डांटते हुए बोला, ये क्या चल रहा है चुन्नू, मैं पढ़ा रहा हूँ और तुम ड्राइंग कर रहे हो। सॉरी सर, अब नहीं बनाऊंगा। सॉरी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। जाओ क्लास के बाहर जाकर मुर्गा बन जाओ। मुझे मुर्गा बनना नहीं आता है सर। तो क्या कबूतर बनना आता है? नहीं सर, घोड़ा बनना आता है। ठीक है, तो घोड़ा ही बन जाओ। चुन्नू बाहर जाकर घोड़ा बनके खड़ा हो गया, लेकिन उसे सर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सॉरी बोलने के बाद भी मुझे बनिश कर दिया, सर बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। जब लंच ब्रेक में सभी बच्चे खेल रहे थे, तब चुन्नू गुस्से से भरा एक तरफ बैठा था। चलो चुन्नू, अब भूल जाओ क्लास की बात और खेलो हमारे साथ। नहीं, मुझे नहीं खेलना। अरे हमारे साथ नहीं खेलोगे तो क्या, घोड़ों के साथ खेलोगे? मैं किसी के भी साथ खेलूं, उससे तुम्हें क्या, तुम लोग जाओ यहाँ से। मिंटू के चढ़ाने से चुन्नू बहुत चिढ़ गया और उसे सर के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अपने अपमान का बदला कैसे ले। तभी उसे पार्किंग में खड़ी सर की बाइक दिखाई दी। वो क्लास में गया और अपने कंपास बॉक्स में से डिवाइडर निकाल के ले आया। जब आसपास कोई नहीं था, तब मौका देखकर उसने डिवाइडर से सर की बाइक को पंचर कर दिया। अब आएगा मजा, जब सर को चुन्नू को पनिशमेंट देने का फल मिलेगा। जब क्लास का लास्ट पीरियड चल रहा था, तब चुन्नू ने घड़ी की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, छुट्टी होने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, फिर आएगा मजा। सभी अपनी अपनी नोटबुक्स निकालो और कल का होमवर्क नोट करो। सर होमवर्क के बारे में बताने ही लगे थे कि तभी अचानक से चुन्नू के पेट में दर्द होने लगा। आ, आ, आ। क्या हुआ चुन्नू? मेरा पेट बहुत जोर से दर्द हो रहा है मुन्नी। चुन्नू को कराहते देख सर भी पास आ गए। अरे क्या हुआ चुन्नू? इसका पेट दर्द हो रहा है सर। बहुत दर्द हो रहा है सर। डोंट वरी चुन्नू, लगता है तुम्हें गैस हो गई है। मैं अभी तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ सर, मेरा पेट बहुत जोर से दुख रहा है। डोंट वरी, मैं तुम्हें अपनी बाइक पर बिठा कर ले जाऊंगा, आओ। ऐसा कहकर सर ने चुन्नू को गोद में उठा लिया और बाइक की तरफ भागे। लेकिन जैसे ही बाइक के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि बाइक तो पंचर थी,
है? बाइक तो पंचर है, अब क्या करूं? पेट दर्द के कारण तो चुन्नू बोल भी नहीं पा रहा था। मेरी बाइक पंक्चर हो गई है चुन्नू, तुम प्रिंसिपल सर के कैबिन में वेट करो, मैं पैदल जाकर डॉक्टर से तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। सर ने चुन्नू को प्रिंसिपल सर के केबिन में लिटाया और खुद भागते हुए उसके लिए दवाई लेने निकल पड़े। चुन्नू लेते लेते सोच रहा था कि उसने सर की बाइक पंचर करके कितना गलत किया। कुछ ही देर में सर दवाई लेकर लौट आए। ये लो बेटा, जल्दी से दवाई खा लो। चुन्नू ने दवाई खाई और थोड़ी देर रेस्ट किया। अब उसका पेट दर्द काफी ठीक हो चुका था। अब कैसा लग रहा है चुन्नू बेटा? अब मैं ठीक हूँ सर, थैंक यू एंड सॉरी भी। हैं? इसमें सॉरी की क्या बात है? एक्चुअली आपकी बाइक मैंने ही पंचर की थी, क्योंकि क्लास में आपने मुझे पनिशमेंट दी थी। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ सर, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई। परेशानी तो तुम्हें भी हुई ना बेटा, बाइक ठीक होती तो मैं तुम्हें बिठाकर जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाता और तुम्हें इतनी देर तक दर्द भी सहन नहीं करना पड़ता। खैर, अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो ही चुका है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम आगे से ऐसा कभी नहीं करोगे। यस सर, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। चुन्नू अब समझ चुका था कि जब भी हम किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो खुद ही उसमें गिर जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने टीचर्स का सम्मान करना चाहिए और कभी उनके लिए मन में बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए। ऐसी ही और शिक्षाप्रद कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। स्टोरीज, कुछ हल्की फुल्की, कुछ मस्ती भरी, सच्ची, कुछ एडवेंचर और एक्साइटमेंट में डूबी, यहाँ मिलेगा नॉनस्टॉप फन, क्योंकि सीसॉ टून्स है ऑल इन वन। तो आज ही सब्सक्राइब करें और शुरू करें एंटरटेनमेंट और नॉलेज का एक नया सफर।